आज की हमारा मूवी है डॉन जॉन। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन है और वो एक पोर्न एडिक्टेड है और हर रोज पोर्न देखते हुए हस्तमैथुन करता है। जॉन ऐसा करना पसंद भी करता है क्योंकि असल जिंदगी में वो पोर्न जैसा काम नहीं कर सकता है। जॉन की लाइफ में सिर्फ दो चीजें हैं जिसकी वो परवाह करता है। सबसे पहले उनका बॉडी, जिसके लिए वो हर दिन जिम जाते हैं, फिर उसका घर जिसे वो अपने हाथों से साफ करता है। जॉन एक बार टेंडर का काम करता है इसलिए उसे नई लड़कियों को इम्प्रेस करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। हर बार वो एक नई लड़की को अपने घर लाता है और उनके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जॉन को पोर्न देखने और हस्तमैथुन करने में ज्यादा मजा आता है। अब हमेशा की तरह जॉन एक नई लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलता है और सभी लड़कियों को एक साथ देखकर नंबर से जज करें। वो बाबरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो उसे 10 नंबर देता है और जॉन उसके पास जाता है और वे दोनों नृत्य करते हैं। जॉन फिर बाबरा को बहकाने की कोशिश करता है और वन नाइट स्टैंड के बारे में पूछता है। बाबरा इज नॉट दैट गर्ल और वो मना कर देती है और अपने घर चली जाती है। इसलिए जॉन बाद में एक और लड़की को अपने घर लाता है और फिर वो उसके साथ अंतरंग हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद भी जॉन रात में अपने लैपटॉप पर पोर्न देखते हैं और फिर हस्तमैथुन करता है। उनका कहना है कि पोर्न सेक्स से बेहतर है और जितनी चीजें पोर्न में दिखाई जाती हैं वो असल जिंदगी में नहीं होती हैं। खैर, अगले दिन जॉन चर्च जाता है और फिर कबूल करता है जो इस हफ्ते 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ और वो 17 बार पोर्न देख चुका है। इसके बाद जॉन अपने परिवार के साथ लंच करने लगते हैं या उसके पिता का उससे विवाद हो जाता है। वही बहन हमेशा मोबाइल में लगी रहती है और कुछ नहीं कहता और फिर उसकी माँ वहाँ जॉन को बताती है एक अच्छी लड़की को देखकर उसे अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। वो रात जॉन फिर से पोर्न देखता है और सही वीडियो खोजने के लिए उसे सुबह 2 बजे का समय लगता है। अगली सुबह जॉन का एक दोस्त उससे मिलने आता है तो जॉन उसे बताता है कि वो उस लाल पोशाक वाली लड़की को बहुत पसंद करता था लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं जानता। जॉन उसी बार में जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि लड़की का नाम बाबरा है। उसके बाद वो उसे फेसबुक पर ढूंढता है और वहाँ से जॉन लंच के लिए बाबरा को बुलाता है। अगले दिन बाबरा उससे मिलने आती है और पूछता है उसने अपनी फेसबुक आईडी कहाँ से ली जब उसने अपना नाम तक नहीं बताया था। जॉन शुरुआत में बहाने बनाता है लेकिन बाद में सच बताता है। बाबरा भी उसे पसंद करती है और वो उसे एक रोमांटिक फिल्म देखने ले जाती है, लेकिन जॉन को फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्में बच्चों के लिए होती हैं। वही बाबरा को ये मूवी बहुत पसंद है और फिर उसके बाद दोनों किस भी करते हैं और बाबरा अपने घर चली जाती है। अब जॉन चर्च जाता है और कबूल करता है कि इस हफ्ते उसने सिर्फ एक लड़की को किस किया और वो 22 बार पोर्न देख चुका है। इसके बाद जॉन अगेन बाबरा के साथ डेट पर जाते हैं और उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन बाबरा उसके साथ गंभीर संबंध बनाना चाहती थी इसलिए वो उससे कहती है कि वो अपने दोस्तों और परिवार से मिलना चाहती है। साथ ही बाबरा उसे रात की क्लास लेने के लिए कहती है जिससे वो बार टेंडर की नौकरी छोड़कर किसी तरह का काम करता है और फिर जॉन भी उसकी हर बात के लिए राजी हो जाता है। और फिर उस रात वो बाबरा की तस्वीरें देखकर मास्टरबेशन भी करता है जिससे हम यह जानते हैं कि वो बाबरा के साथ इंटीमेट रहना चाहता है और वो शायद उससे प्यार नहीं करता। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और जॉन बाबरा को अपने दोस्तों के साथ फिर से मिला पाता है और वो बाबरा के दोस्त से भी मिलता है। उनके रिश्ते को 1 महीना हो गया था लेकिन अब तक बाबरा जॉन को अपने साथ इंटीमेट नहीं होने देती है। जॉन भी अपने परिवार को बताता है वो बाबरा नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश होती है। और एक दिन जॉन की कक्षा के दौरान बाबरा उसे बुलाती है और कहती है कि वो आज रात अपने घर आ रही है और जॉन यह जानकर बहुत खुश है क्योंकि आखिरकार जॉन उसके साथ इंटीमेट होने वाले थे। कक्षा में जॉन को एस्ते क्राइंगंग नाम की एक लड़की मिलती है लेकिन जॉन उसकी उपेक्षा करता है और घर जाने के बाद आखिरकार वो पहली बार बाबरा के साथ इंटीमेट हुआ। लेकिन हमेशा की तरह जॉन को उतना मजा नहीं आता। रात में फिर से पोर्न देखना शुरू करता है लेकिन ऐसा करते समय बाबरा उसे पकड़ लेती है और वो बहुत चौंक जाती है और जॉन पर गुस्सा हो जाता है और उसे छोड़ना शुरू कर देता है। यह देखकर जॉन बहाने बनाता है कि यह वीडियो उसके दोस्त ने भेजा था और वो इस वीडियो को वैसे ही देख रहा था। अब से वादा करो कि वो कभी पोर्न में नहीं दिखेगा। और यह सुनकर बाबरा रुक जाती है लेकिन इन सबके बावजूद जॉन पोर्न देखना जारी रखता है। अब क्योंकि बाबरा उनके घर आता जाता था तो जॉन अपने मोबाइल पर पोर्न देखना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन क्लास में एस्ते नाम की एक लड़की पोर्न देखते हुए उसे देखती है। वो उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जॉन उस पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद जॉन बाबरा को अपने परिवार से मिलवाने के लिए ले जाता है
और उसकी माँ भी उसे बहुत पसंद करती है। बाबरा भी जॉन के साथ चर्च जाती है, जहाँ जॉन कबूल करता है पिता के साथ कि वो इस हफ्ते में 7 बार इंटीमेट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे हफ्ते में एक बार भी फोन नहीं देखा है। फिर उसी दिन कक्षा के बाहर एस्ते जॉन को एक वयस्क पुस्तक देती है और कहता है कि शायद यह उसके काम आएगा। जॉन कहते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे फोन देखना पसंद नहीं है। कुछ दिनों बाद जॉन बाबरा के साथ खरीदारी करने जाता है और जॉन उसे बताता है, तभी उसे घर की सफाई के लिए कुछ चीजें खरीदनी पड़ती हैं और तभी बाबरा को पता चलता है कि जॉन खुद अपने घर की सफाई करता है, तो वो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि यह काम उनका नहीं है, एक हाउसकीपर के अंतर्गत आता है क्योंकि उसे अभी से घर की सफाई बंद कर देनी चाहिए। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने घर और उसकी सफाई करना पसंद करता है और उसे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आती, लेकिन बाबरा का कहना है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और जॉन आज से खुद सफाई का काम नहीं करेगा और मजबूरी में जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। उसी शाम को एस्ते जॉन से कक्षा में नोट्स मांगती है और फिर वो उसके परिवार और प्रेमिका के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यह सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका नोट छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है जहाँ बाबरा किसी बात को लेकर जॉन से नाराज होकर बैठी थी। वो जॉन को बताती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम्हारे ब्राउजर की हिस्ट्री चेक कर ली है और आपने अभी तक फोन देखना बंद नहीं किया है। दरअसल जॉन ने आज तक अपने ब्राउजर हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि बाबरा उनकी प्राइवेट चीजों को चेक नहीं करेंगे। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, फोन देखना नॉर्मल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और फोन देखना और मूवी देखना एक ही बात है। यह सुनकर बाबरा कहते हैं वो फिल्म और फोन अलग चीजें हैं। जॉन उसे सॉरी कहते हैं, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उससे संबंध तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाबरा गो उसके बाद भी वो नहीं सुधरता और वो और फोन देखने लगता है, लेकिन वो इस एकल जीवन को बेहतर खोजने लगता है क्योंकि वो जो चाहे कर सकता है और उसे बाधित करने वाला कोई नहीं है। जॉन अपने कुछ दिन ऐसे ही बिताते हैं। वो रात में बार में जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने बाबरा को छोड़ दिया है। एक लड़की उसकी आंखों में गिर जाती है और वो उसे अपने घर लाकर उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। अगले दिन गाड़ी चलाते समय जॉन बिना बात किए उसके सामने वाले ड्राइवर पर गुस्सा हो जाता है और अपनी कार का शीशा भी तोड़ देता है। इसके बाद वो चर्च जाते हैं और पिता के साथ एक सम्मेलन करता है। न जाने क्यों आज उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया और इस हफ्ते भी उन्होंने 35 बार फोन देखा। कबूल करने के बाद जॉन अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन करने जाता है, लेकिन वो उन्हें इस बारे में नहीं बताते कि उनका और बाबरा का ब्रेकअप हो गया है। घर जाने के बाद वो फिर से फोन देखना शुरू कर देता है। तभी जॉन का दोस्त बॉबी उनके घर आता है। शुरू में जॉन ने उसे वहां से जाने के लिए कहा और कहती है कि वो बिजी हैं, लेकिन बॉबी फिर भी घर के अंदर आ जाते हैं और पूछता है कि उसने एक लड़के की कार का शीशा क्यों तोड़ा और उसका और बाबरा का ब्रेकअप कैसे हुआ। जॉन बताता है कि उसने उसे फोन देखते हुए पकड़ा और टूट गया। यह सुनकर बॉबी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जॉन को इतनी छोटी सी बात के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद जॉन क्लास में जाता है और कक्षा के बाद जॉन एस्ते से मिलता है और फिर दोनों ने उनकी कार में इंटीमेट भी किया। अंतरंग होने के बाद जॉन एस्ते को बाबरा के बारे में भी बताता है। एस्ते उससे पूछती है कि वो कौन सा दिन था जब उसने फोन नहीं देखा था और क्या उसने कभी इसे छोड़ने के बारे में सोचा है। जॉन कहते हैं कि उसे याद नहीं रहता, लेकिन वो जब चाहे खुद को रोक सकता है, उसे कोई लत नहीं है और इसलिए वो फोन देखता है क्योंकि वो इसे बहुत पसंद करता है। एस्ते पूछता है, क्या आप बिना फोन देखे हस्तमैथुन कर सकते हैं? और फिर अगले दिन जॉन फोन नहीं देखने की कोशिश करता है और उसमें उसे यह बहुत मुश्किल लगता है। और फिर उसी शाम को जॉन एस्ते से मिलता है और वे दोनों उसके घर जाते हैं। जॉन एस्ते को बताता है कि उसने इस सप्ताह फोन नहीं देखा है, लेकिन वो हस्तमैथुन भी नहीं कर पाता था, जहां उन्होंने यह भी माना कि उन्हें फोन की लत लग गई है। एस्ते उसे समझाती है, इसलिए उसे फोन पसंद है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं की और वो हमेशा अपनी मस्ती के बारे में सोचते रहे। इसके बाद एस्ते जॉन को बताती है कि दोनों को एक साथ नहाना चाहिए, लेकिन जब एस्ते अपना तौलिया लेने जाती है तब एस्ते रोने लगती है। जॉन स्नान के लिए आता है और एस्ते से पूछता है वो हमेशा क्यों रोती है, लेकिन एस्ते बताती है कि करीब 1 साल पहले उनके पति और बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी एस्ते अभी भी उदास है। और फिर इसके बाद जॉन और एस्ते दोनों अंतरंग हैं और इस बार जॉन को बहुत मजा आता है और यह एहसास उसे कभी नहीं हुआ। और फिर अब से जॉन पूरी तरह से फोन देखना बंद कर देता है और अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता। वो चर्च जाता है और स्वीकारोक्ति करता है, उस पिछले हफ्ते उसने झूठ बोला कि उसने फोन नहीं देखा, लेकिन इस बार उसने वास्तव में फोन देखना बंद कर दिया।
फिर जॉन लंच के दौरान अपने परिवार को भी बताते हैं कि उनका बाबरा से ब्रेकअप हो गया है, और यह सुनकर उनके परिवार वालों को उन पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उनकी बहन उनका साथ देते हुए कहती है, वो बाबरा एक अच्छी लड़की नहीं थी, वो एक ऐसा लड़का चाहती थी जो उसकी बात माने और उसके साथ छेड़छाड़ करे, लेकिन इस कारण बाबरा जॉन के लायक नहीं थी। और फिर जॉन को यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसकी बहन उसके बगल में है। कुछ दिनों बाद जॉन बाबरा से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है पोन के बारे में बात छिपाने के लिए। बाबरा का कहना है कि उन्होंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी जिसमें वो फेल हो गए। इस पर जॉन कहते हैं कि उसने उससे बहुत कुछ मांगा था और वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहता है। और फिर बाबरा वहाँ से चली जाती है और जॉन को बताता है उसे दोबारा मत बुलाओ। जॉन अपने दोस्तों के साथ पहले से ज्यादा समय बिताना शुरू कर देता है और अब उसने फोन देखना बिल्कुल बंद कर दिया है, और दूसरी ओर वो एस्ते को भी डेट करना शुरू कर देता है। भले ही वो अपनी उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। फिल्म यहीं एंड होती है।